हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स वंस अगेन। आज हम गवर्नमेंट बजट का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डेफिसिट्स के बारे में है। और आज के वीडियो से हमारी गवर्नमेंट बजट की तीन वीडियो की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है अब पूरी तरह से इस चैप्टर को अपना रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसा कि हम अब तो एग्ज़ाम्स और नज़दीक आ गए हैं टर्म वन के, तो हमारा भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए जो है वीडियोस डालें। और हमारी वेबसाइट पे भी नए नए सैम्पल पेपर्स बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट पे हम लोड कर रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और लिंक जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, जिससे कि आपको अपना स्कोर और करने में हेल्प हो। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और जिस तरह से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से आप अपने और दोस्तों की हेल्प करेंगे इन वीडियोज़ को उन तक पहुँचा के। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक जो है वो बजट एक्सपेंडिचर और डेफिसिट रहेगा, राइट? पहले दो टॉपिक्स जो पहले दो वीडियोस जो हमारे रहे हैं वो आप जानते हैं कि हमने जिसमें गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखिएगा। एक हमने गवर्नमेंट रिसीट्स का वीडियो बनाया है, तो उसको भी जो है आप देखते रहिएगा, जिससे कि उसके बाद ये बजट एक्सपेंडिचर और डेफिसिट के वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो समझ भी आएगा, बिकॉज दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज। चलिए शुरू करते हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। अब बजट एक्सपेंडिचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे पहचान करते हैं, क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है। तो पहले हम शुरू करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हम कहेंगे कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विच डज नॉट क्रिएट एनी असेट नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि आपने अगर ये वाला कोई खर्चा किया है तो ना तो कोई असेट बना आपका, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी सरकार की, और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। देन ये रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि इस तरह के एक्सपेंडिचर से हम ये नहीं कर सकते कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में हमें कोई इससे बेनिफिट मिलता है। और एग्जांपल के तौर पे सैलरीज, पेंशंस, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कि इट क्रिएट्स असेट्स एंड रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देन ये नॉन रिकरिंग होता है और इस पे जो खर्चा करते हैं दैट एक्चुअली एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकॉनमी। एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं लाइक परचेज ऑफ शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर, या फिर प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो दो बात हुई हमारी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं कि भाई जब हमने बजट रिसीट कर लिया और बजट एक्सपेंडिचर कर लिया, हम बजट को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं जिसकी दो साइड हैं। एक तरफ हम रिसीट रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक तरफ हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये तो कोई भी मानेगा कि खर्चा तभी हो सकता है जब कमाई होगी। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि हमें कहां कहां से पैसा आ रहा है और
इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये देख लिया कि भाई हमारे एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर क्या-क्या हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों बैलेंस हैं, मतलब थियोरेटिकली तो हम कह ही सकते हैं कि भाई वैसे प्रैक्टिकली तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, और वो भी पूरे देश की इकोनॉमी के लिए कि जितने हमारे रिसीट हैं उतने ही हमारे खर्चे होंगे, तो वो कम ज़्यादा बिल्कुल होगा। तो अब क्या सिचुएशन आ सकती है, इसलिए अब हम बात करते हैं इस बजट के बैलेंस की। तो हमने कहा कि भाई बैलेंस्ड बजट किसको कहेंगे, तो बैलेंस्ड बजट वो बजट है जब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रेवेन्यूज यानी हमारी जो रिसीट्स हैं और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो इक्वल हो गए। तो थ्योरेटिकली इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, लेकिन असलियत में क्या होगा कि क्या ये हमेशा बैलेंस्ड हो सकता है, तो नहीं। तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो सरप्लस बजट है। सरप्लस मतलब हमारी कमाई ज्यादा है, हमारी रिसीट्स ज्यादा हैं और हमारे खर्चे कम हैं। तो व्हेन द गवर्नमेंट्स रिसीट्स एक्सीड इट्स एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज सरप्लस बजट। तो सीधी सी बात है कि तीसरे बजट को आप क्या कहोगे, वो होगा हमारा डेफिशिट बजट, यानी कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स एक्सीड द रिसीट्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारे अपने देश के सिनेरियो में क्या है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे अभी वेलफेयर का बहुत काम होना बाकी है। तो यूजुअली हम यही कहते हैं कि इंडिया का जो बजट बनता है वो एक डेफिशिट बजट होता है। अब वो डेफिशिट जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो चलिए इन चीज़ों को अब हम आगे डिटेल में करते हैं। तो जो बजट डेफिशिट है, अब डेफिशिट क्या होता है ये आप जान चुके कि हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर मोर देन दी टोटल रिसीट्स। लेकिन बजट डेफिशिट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहला रेवेन्यू डेफिशिट, दूसरा फिस्कल डेफिशिट, और तीसरा प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है ना, अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से डेफिसिट हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, और फिर हर एक के फॉर्मूले हैं, हर एक की इम्प्लीकेशंस हैं, तो नो वरीज, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन। तो हमने कहा इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी बजटरी रिसीट्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। उसी तरह से आज आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो हमारे खर्चे हैं एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट के केस में हम ना तो कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं और ना ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, हम केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा होना हुआ, तो इसीलिए इसी डेफिनेशन से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब जब बात अपने देश की साथ साथ चल रही हो, तो ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती ही है कि भाई भारत की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो 2019-20 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया का जो रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज 2.4% ऑफ द जीडीपी। अब ये बात तो सभी जानेंगे और मानेंगे भी कि भाई डेफिसिट होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, तो हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई देखो, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट थिंग
दैट कैन कम टू एनीबडीज माइंड कि भाई खर्चे कम कर लो। अगर आपकी खर्चे कमाई से ज़्यादा हैं तो कोशिश करिए, फर्स्ट थिंग, सबसे आसान शायद जो चीज़ दिमाग में आ सकती है कि भाई खर्चे कम करो और दूसरा कमाई बढ़ा लो। तो क्योंकि यहाँ पे हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट, राइट? आई होप समझ आया आपको। अब इसके एक दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं कि अगर कोई इकॉनमी रेवेन्यू डेफिसिट से सफर करती है तो इसका उस इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, तो यानी कि इम्प्लीकेशन क्या होगा ऐसे में उस इकॉनमी के ऊपर जो रेवेन्यू डेफिसिट जिस इकॉनमी के अंदर है। तो पहली स्टेप या पहला पॉइंट क्या हुआ कि सरकार को अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पैसे की कमी है, तो वेलफेयर कहाँ से होगा? तो इससे इकॉनमी के वेलफेयर पे, खास तौर पे देखिए वेलफेयर हम ये कहते हैं भाई जो गरीब लोग हैं, नीडी हैं, ठीक है, जिनको सरकारी मदद की ज़रूरत है, तो उन इस चीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर कई बार कुछ काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सरकार चाहकर भी उनको कम नहीं कर सकती, तो फिर उसको बोरो करना पड़ता है। अब बोरो करेगी तो ऑब्वियसली भाई उधारी बढ़ गई, तो ये चीज़ मार्केट में पसंद नहीं की जाती, लोगों को लगेगा यार ये तो उधार लेके इकॉनमी काम कर रही है तो इनके पास इनकी अर्निंग, तो ये एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है हमारी इकॉनमी के बारे में। फिर ऐसे में फिर कई बार सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई पैसा अपने पब्लिक एंड पैसा अपने जो हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको बेचो, जैसे कि पास्ट में मारुति के साथ हुआ या अभी लेटली हमने एयर इंडिया में देखा कि भाई टाटा ने उसको ख़रीद लिया, तो अब सरकार को पैसा चाहिए अपने कामों को करने के लिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है, तो मतलब करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है ना। और उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका एक मैसेज ये जाता है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू सेव, वो डिस सेविंग्स है कि वो एक तरीके से हो सकता है किसी और सेक्टर की सेविंग को यहाँ के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, राइट? तो ये जो है पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेगेटिविटी क्रिएट करता है इकॉनमी के बारे में, राइट? अब हम चलते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। तो वंस अगेन इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट के तरीके से हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट की बात नहीं कर रहे, या हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उन टोटल रिसीट्स में से हमने बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दिया, राइट? तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। और जैसा कि भाई भारत की क्या सिचुएशन है इस बारे में, तो हम कहेंगे इट इज 3.8% ऑफ द जीडीपी। और अब वंस अगेन फिर ये समस्या कि भाई कैसे भरपाई होगी इस कमी की, तो आप कहोगे या तो बोरोइंग्स करेंगे या डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग जब सरकार को एक बार करेंसी प्रिंट करनी पड़े अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, राइट? अब जैसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको बताया और रेवेन्यू डेफिसिट के केस में आपको इम्प्लीकेशंस के बारे में बताया था, तो फिस्कल डेफिसिट के भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। और वो क्या है? तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट एक डेट ट्रैप में फंस सकती है, क्योंकि जब उसने बोरो किया हुआ है तो जब वो पैसे को वापस करती है तो वो केवल प्रिंसिपल नहीं होता, उसके साथ इंटरेस्ट भी होता है। अब इंटरेस्ट पेमेंट से तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, और तो अब उससे क्या होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए अगर हमने बोरोइंग्स किया है
उसको रीपेमेंट के चक्कर में हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई और हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो हम एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के। फिर बोरोइंग्स जब हम अगर आरबीआई से करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है इकोनॉमी। वंस अगेन यू ऑलरेडी नो कि इन्फ्लेशन इज नॉट अ गुड सिचुएशन। अब इस सब चीज़ों का एक क्राउडिंग आउट सिचुएशन बनती है। क्राउडिंग आउट सिचुएशन मतलब कि सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा प्राइवेट सेक्टर की मदद करने के लिए। भाई फंड्स की तो कमी है ना, सरकार पहले ही अपने कामों को रोक के चल रही है तो प्राइवेट सेक्टर को कहाँ से देगी। अब जब प्राइवेट सेक्टर की मदद नहीं हो पाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। अब इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गई या रुक गई तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। तो वही उसका हमारा नेगेटिव जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है कि भाई इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। भाई आज अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट फ्यूचर में आते हैं, आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर आज हमारी इन्वेस्टमेंट रुक गई तो फिर आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो हाई फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो इट इज़ अ सिचुएशन जब जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और उससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत नुकसान होता है, राइट। और फिर जब ये सब कुछ वंस अगेन हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, फ्यूचर के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी इमेज खराब होती जा रही है, तो इसका मतलब इससे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये सब लोग हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इकॉनमी को एक नेगेटिव रेटिंग देते हैं। और इस नेगेटिव रेटिंग की वजह से जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने से हाथ खींच लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो इकॉनमी सही नहीं है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर तब पैसा इन्वेस्ट करता है जब उसको अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद हो, लेकिन अगर कोई इकॉनमी बुरी हालत में होगी तो ऐसे में इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी रिटर्न की चिंता सताने लगेगी। और जब वंस अगेन दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू लो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी और कंट्री की ग्रोथ को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो आई बिलीव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेशक बार बार भी अगर आपको वीडियो देखना पड़े तो चूकिएगा नहीं, डू रेफर टू इट अगेन एंड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब हम तीसरे डेफिसिट पे आते हैं यानी प्राइमरी डेफिसिट। जैसा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इसमें इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, तो वंस अगेन जैसे कि हम हर बार 2019-20 का रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो कंट्री की प्राइमरी डेफिसिट सिचुएशन 0.7% ऑफ जीडीपी थी। और इसको कम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स बोरोइंग्स को कम करके, राइट। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो देखिए अब जब प्राइमरी डेफिसिट है वैसे तो इसके इम्प्लीकेशंस और फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस हम कह सकते हैं मोर और लेस वो सेम ही रहते हैं, बट थोड़ा जो डिफरेंस है तो हम ये कहेंगे कि भाई इट डज नॉट कैरी लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट लोन्स, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्मूले को देखिए, हमने कहा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो वो एक तरीके से हमारी बोरोइंग्स को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम ये कहें कि देयर इज अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, इट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन्स have forced the government to borrow, यानी कि हमारी borrowings
बढ़ रहे हैं, राइट। तो आई बिलीव आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारा थर्ड वीडियो था सीरीज में, इससे हमारा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, बार बार देखिए, जिससे आप और इसकी, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप इसकी प्रेजेंटेशन को हमारे लिंक से, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे रोज़ सैम्पल पेपर्स अपडेट हो रहे हैं, राइट, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, आप उनको लीजिए, फ़ायदा उठाइए, दोस्तों को दीजिए, राइट। ओके, गुड बाय, थैंक यू।